यहाँ पे नारियल पानी हर दर्द की दवा है, तो वही दवा हम पी रहे हैं। 60 किलोमीटर किया मैंने, इससे आगे मैं अभी नहीं जा सकता। वन वाटरमेलन प्लीज। बैग लीला। नो बॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक छु, खुश पर छु, दिस इज रदरीस मीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश ब्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम हैं बैंगलोर में और आज हम जा रहे हैं ऊटी की तरफ। तो ऊटी एक हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अभी कर्नाटका से हम निकल के तमिलनाडु एंटर करेंगे इंशाल्लाह, आज दिन में ये सब होगा। और आज जो हमारा रूट है वो है बांडीपुर से होके, और बांडीपुर से जो है बहुत ज़्यादा सीनिक रोड है। हम हाईवे नहीं ले रहे, हम फॉरेस्ट रोड ले रहे हैं। तो अभी मैं बाइक को बाहर निकालता हूँ, कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को, पैनियर्स लोड करते हैं बाइक पे और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। बाइक मैंने यहाँ पर पार्क रखी थी और इसको बाहर लेके चलते हैं और पैनियर्स लोड करते हैं। कल इस पर बहुत सारा काम करवाया था, वो आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया था। पहले इसको बाहर निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पे सामान सारा लोड हो चुका है और ये हालत देखो आप, कितनी ज़्यादा गर्मी है। ये होता है जब आप सामान जो है लोड करते हो बाइक पे और अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है चूज़ करके निकल जाते हो उस चीज़ पे, बहुत पसीना आता है। ये हमारे साकिब भाई जिन्होंने इतने दिनों तक हमें मतलब घर जैसा फील कराया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग कि आप नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, इसी उम्मीद से आपको हम फिर से सर्व कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। साकिब भाई की इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके फॉलो करें। बहुत अच्छा जो है आपको डाइट प्लान एंड ऑल वो इनसे मिल जाएगा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। चलिए साकिब भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जी हमारा सफ़र अब आज ऊटी की तरफ जो है वो शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नया दिन, नई डेस्टिनेशन, नया स्टेट, और गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन जब आप सफ़र पे निकल जाते हो तो आपको बस सफ़र दिखता है, गर्मी नहीं दिखती आपको, जो है हिंड्रेंसेस नहीं दिखती। लेकिन जब आप सफ़र पे होते हैं ना तो आपको ये गर्मी, ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि आप हर दिन एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ के लिए। तो वो बहुत औसम है सफ़र का। हम निकले हैं 10:55 पे और अभी हमें ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, तो उसके लिए मुझे अभी से तैयार रहना पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट मैंने सुबह ही कर लिया था आज, साकिब भाई ने मुझे बहुत ही हेल्दी स्मूदी बना के दी जो कि बहुत ही अच्छा था, और पेट अभी फुल है, एनर्जी भी बिल्कुल हाई है। आगे जाके देखते हैं कितना कर सकते हैं, अभी हम आज फर्स्ट स्ट्रेच में कितना कर सकते हैं, फिर उसी हिसाब से ब्रेक लेंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो रुकना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। पसीने से मेरी हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और राइडिंग गियर पहन के तो अल्लाह बचाए हालत ख़राब हो जाती है। ऊटी तक हमारा सफ़र है 4 hours 41 minutes और ये है 218 kilometers। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग जो है ट्रैफिक से बाहर आ गए हैं फाइनली। और आज आप फ्रंट वाले कैमरा से भी ये वाला लुक जो है, ये वाला एंगल देख रहे होंगे, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई करके। इससे पहले व्लॉग्स में मैंने किया था लास्ट टाइम, अभी नहीं लगभग 6-7 महीने पहले, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था। तो आज मैंने इस पे ये माउंट लगा दिया है, तो आई होप कि फुटेज जो है वो ठीक आ रही हो, होप ही कर सकते हैं अभी तो इतनी गर्मी में। 60 किलोमीटर किया मैंने, इससे आगे मैं अभी नहीं जा सकता। पहले आई नीड अ ब्रेक, वाटरमेलन है ऐसा कुछ ज़रूरी है, इसके बगैर मैं आगे जा ही नहीं पाऊँगा। वन वाटरमेलन प्लीज। बैग लीला। नो बॉल। बॉल नहीं। ओके, अब वेयर विल आई कीप इट? ओके, तो जी इन्होंने काट के दे दिया।
है हमें ऊटी तक 159 किलोमीटर्स और 60 किलोमीटर जो है वो मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं एक जगह ब्रेक के लिए रुका हूँ क्योंकि इससे आगे मैं नहीं जा पाया। और मैं नारियल पानी ढूंढ रहा था लेकिन वाटरमेलन मिल गया। अभी आगे जा के देखते हैं, शायद नारियल पानी भी मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह तौकल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ पे थोड़ा जान में जान आई है, अब जाके आगे थोड़ा मैं निकल सकता हूँ। 60 किलोमीटर्स कर लिए हैं, अभी बचे हैं 169, मैंने 159 बोला था, 169 किलोमीटर्स। और अभी एक ब्रेक मुझे और लेनी है नारियल पानी की, थोड़ा एनर्जी आएगी बॉडी में। डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, बॉडी को पानी चाहिए बहुत सारा। मैंने वैसे भी पानी पी लिया लेकिन नारियल पानी से थोड़ा अच्छा फील होता है। नारियल पानी मिल गया फाइनली, हमें नारियल पानी मिल गया फाइनली, थैंक गॉड। दादा वन, ना इनको हिंदी समझ आती है ना इनको इंग्लिश समझ आती है, इशारे करने पड़ते हैं। यहाँ पे नारियल पानी हर दर्द की दवा है, तो वही दवा हम पी रहे हैं। और एंड में जो इसमें मलाई निकलती है ना, ये इसका टेस्ट ही अलग होता है। अभी फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैकेट से थोड़ी सी हवा भी अंदर नहीं जा रही है इस बॉडी के अंदर। अब लग रहा है मैंने साउथ इंडिया जो है वो एंटर कर लिया है, अभी तक नहीं लग रहा था। वो गर्मी फील ही नहीं हो रही थी, आज हो गई। तो पहले पेट्रोल फिल कराएंगे, ये यहीं पे ख़त्म करके रखते हैं ये वाली टेंशन पेट्रोल वाली। चमराज नगर फर्स्ट देन गुंडलपट्टी, हाँ देन बांडीपुर, बांडीपुर 75 किलोमीटर आगते चमराज नगर अलग बांडीपुर। ओके ओके, ब्रो लंच लंच नो लंच नो लंच, मैं थक गया अब ढूंढते ढूंढते, ये लंच कहीं नहीं मिल रहा। मे बी यहाँ मिल जाए, यहाँ चेक करते हैं। फाइनली हमें लंच मिल गया और लंच में डोसा है बस, बिरयानी ऐसा है, वेज बिरयानी कुछ भी नहीं है, जस्ट डोसा, दैट्स इट। तो एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, इतना काफ़ी है, डोसा मिल रहा है, पेट में कुछ जाएगा, फिर राइड आगे अच्छी करेंगे। अब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लगेगा बांडीपुर, बांडीपुर जो है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। टाइगर रिजर्व है वहाँ पर कुछ, तो वो असल में मुझे देखना है। वो रोड जो है वो एटलीस्ट ट्रिप का जो है मेन, जो मेन कोर्स जिसको बोलते हैं वो है। फिलहाल हम अपना मेन कोर्स यहाँ पे डोसा करते हैं, डोसा खाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। डोसा भी मिला है तो प्लेन डोसा और चटनी और बाजी, दैट्स इट, नो मसाला डोसा, गुजारा कर लेते हैं। ये जी हमने बांडीपुर टाइगर रिजर्व एंटर किया, अब यहाँ से रोड जो है वो मस्त होगा। हाय, इसी रोड का तो इंतज़ार था। यहाँ लोग जो है सफारी के लिए आते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ आपको दोनों साइड से हाथी हिरन ऐसे जानवर देखने को मिल जाते हैं बीच बीच में, कंटिन्यू नहीं बीच बीच में। देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे पहला जानवर हमें दिखा मोर,
हाथी हमें देखने को मिल गए। ये है बच्चे के साथ में। गाड़ी पे बंदरों ने हमला कर दिया। ये देखो कुछ ना कुछ तो निकाल ही दिया है गाड़ी से। और एलिफेंट्स हैं वहाँ से, एक ही है वैसे तो। यह आगे मोर है, पीकॉक। ये देखने को मिल गया। सी हाउ ब्यूटीफुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हमें हिरन भी देखने को मिल गए, थैंक गॉड। सी हाथी भी हिरन भी, देखो कितने सारे हिरन है वहाँ पे। ये देखो बहुत सारे हिरन है। हाथी भी है, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। मज़ा आ गया, इसीलिए मुझे इस रोड से आना था। और ये रोड मुझे सजेस्ट किया था अजरबान ने, वो या इस रोड से आया था इससे पहले। लंगूर, यहाँ पे लंगूर भी है। ये अभी हम पहुंचे हैं कालहाटी में। यह गांव है ऊटी से पहले 9.6 किलोमीटर ऊटी से पहले ये गांव आता है कालहाटी। बहुत ही खूबसूरत है वो आगे गांव है पूरा, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऊटी पहुंच गए हैं। यहां से है हमारा होटल किसी जगह। हमारी लोकेशन शायद, यस ये है। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा ही गेस्ट हाउस मिल गया हमें तो ये लोकेशन है जहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये देखो बिल्ली कहाँ पे रखी है इसने। तो इस लोकेशन पे आज रुका हूँ, ये होम स्टे है, बहुत ही अच्छा रूम है। और ये व्यू है यहाँ से बहुत ज़बरदस्त। और ठंड अच्छी खासी है, मज़ेदार ठंड है यहाँ पे, मज़ा आ गया। चलो अभी जी सामान अंदर लेके चलते हैं। पहले मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। ये लॉबी एरिया है, ये एंट्री और ये लॉबी एरिया, और उसके बाद ही रूम, टीवी, डबल बेड, दोनों तरफ से ड्रॉर्स हैं, वार्डरोब है अलमीरा, और वॉशरूम अच्छा है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।